नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करता हूं। सनातन धर्म में मंदिर या किसी घर में प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा के किसी भी तरह से खंडित होने पर उस प्रतिमा को पूजन के अयोग्य मान लिया जाता है, या यूं कहें कि खंडित मूर्ति का पूजन करना अशुभ माना जाता है। परंतु भारत में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर बिना सिर वाली माता की मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। गौरतलब है कि खंडित प्रतिमा में केवल शिवलिंग के पूजन को ही उत्तम माना गया है। आइए आज आपको बिना सिर वाली मूर्तियों के पूजन के बारे में जानकारी देते हैं। आखिर यह मंदिर कहां पर स्थित है, क्यों नहीं होता खंडित प्रतिमाओं का पूजन। शास्त्रों के अनुसार किसी भी आराध्य देवी देवता की प्रतिमा पूर्ण होने पर ही पूजन करने का विधान है। जब हम कहीं भी मूर्तियों को स्थापित कर उसका विधि विधान से पूजन करते हैं तो उन प्रतिमाओं में उस देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वहीं प्रतिमा के खंडित होने से पूजा निष्फल हो जाती है। खंडित प्रतिमा की पूजा करते समय यदि मूर्ति को देखते हैं तो हमारा ध्यान प्रतिमा के खंडित भाग पर केंद्रित हो जाता है, जिस वजह से हमारी पूजा बाधित हो जाती है। पूजा सही ढंग से ना होने से हम आराध्य का सही ढंग से आशीर्वाद भी नहीं हासिल कर सकते। खंडित मूर्ति को घर में या मंदिर में रखना भी अशुभ माना जाता है। इन प्रतिमाओं को जल प्रवाह करना सबसे उत्तम माना गया है। कहां होती है बिना सिर वाली मूर्तियों की पूजा? मुगल शासक औरंगजेब ने भारतवर्ष में सभी मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। तब से इन खंडित मूर्तियों को संरक्षित किया हुआ है, साथ ही इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। यह अष्टभुजा धाम नामक मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी से 170 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के गोंडा गांव में है। इस अष्टभुजा धाम मंदिर की मूर्तियों के सिर औरंगजेब ने कटवा दिए थे। बिना सिर वाली खंडित मूर्तियाँ आज भी उसी स्थिति में इस मंदिर में संरक्षित हैं। मंदिर को बचाने की कोशिश रही थी असफल। जानकारी के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने 1699 में देश भर के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके बाद उस समय इस इलाके के लोगों व पुजारी ने इस मंदिर को बचाने की असफल कोशिश की, परंतु वह इसमें सफल नहीं हो सके। पुजारी ने मंदिर के मुख्य द्वार को मस्जिद के आकार में बनवा दिया था ताकि मुगल सैनिकों को इस मंदिर के मस्जिद होने का भ्रम मिले। सैनिक इस गांव के इस मंदिर को मस्जिद मानकर सामने से निकल गए, लेकिन एक सेनापति की नज़र मंदिर में टंगी घंटी पर पड़ गई। फिर सेनापति ने अपने सैनिकों को मंदिर के अंदर जाने के लिए कहा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित सभी मूर्तियों के सिर काट दिए गए। आज भी इस मंदिर की मूर्तियाँ वैसे ही हाल में देखने को मिलती हैं। इतना ही नहीं, मंदिर का मुख्य द्वार आज भी मस्जिद का भ्रम पैदा करता है। 11वीं सदी में बनाया गया था यह मंदिर। मंदिर की दीवारों, नक्काशी और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अवलोकन करने के बाद इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी क्षत्रिय घराने के राजा की ओर से करवाया गया माना जाता है। मंदिर के गेट पर बनी आकृतियां मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर से काफी मिलती जुलती हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित है अष्टभुजा प्रतिमा। इस मंदिर में 8 हाथों वाली अष्टभुजा देवी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है। गांव वालों का मानना है कि पहले इस मंदिर में अष्टभुजा देवी की प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित थी। 15 साल पहले यह प्रतिमा चोरी हो गई थी। इसके बाद सामूहिक सहयोग से ग्रामीणों ने यहां अष्टभुजा देवी की पत्थर की मूर्ति स्थापित करवा दी। मंदिर के गेट पर लिखी लिपि को नहीं समझ पाए जानकार। इस प्राचीन मंदिर के मुख्य गेट पर एक विशेष लिपि अंकित है। यह कौन सी भाषा है, इसे समझने में इतिहासकार व भाषाओं के माहिर फेल हो चुके हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह ब्राह्मी लिपि है, परंतु कुछ लोग इस लिपि को इससे भी पुरानी भाषा मान रहे हैं। लंबे समय से इस लिपि को समझने की सभी कोशिशें असफल हो चुकी हैं। सो दोस्तों, ये थी एक ऐसे मंदिर से जुड़ी जानकारी जिसमें खंडित यानी बिना सिर वाली मूर्तियों की पूजा की जाती है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।